हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पांचवा लेक्चर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले भाई, डिटरमिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंटिन्यू। तो हमने देखो पीछे जो किया था ना कि कुछ मेथड्स हैं जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। हाफ ऑर्डर मेथड से कर सकते हैं, ग्राफ बना के कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वो सब हमने किया था ना। अब दूसरा मेथड आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम स्टार्ट, मतलब कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका दूसरा मेथड है। ये बात समझ में आई हम कहां थे और कहां पर अब स्टार्ट कर रहे हैं? ये क्लियर है सबको? सर है ना, हम ग्राफ बना के, जैसे जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन आएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का, है ना। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर का बनाएंगे, कंसंट्रेशन की पावर 1 आएगी और वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड ऑर्डर का बनाएंगे, कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर आएगी। थर्ड ऑर्डर का बनाएंगे और ये कंसंट्रेशन की पावर 1, 2, 3। ये मैं फिर से थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ आपको। ये देखो रेट, यहां पर ग्राफ बना रहे हैं, ये कंसंट्रेशन है, तो अगर वो जीरो ऑर्डर है तो ऐसे आएगा, क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 होगी, ऐसे आएगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जीरो ऑर्डर नहीं करेगा। सेकंड ऑर्डर है तो स्क्वायर होगा, तब भी ऐसे आएगा। थर्ड ऑर्डर है तो क्यूब होगा, तब भी ऐसे आएगा, एंड सो ऑन। तो यहां से ऐसा ग्राफ बना के रेट वर्सेज कंसंट्रेशन का हम निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस बेटा। इसी के ऊपर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एडवांस लेवल का, ध्यान रख लेना इसी पर, ठीक है। तो अब देखो इसके अलावा हाफ लाइफ से भी निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ किसकी क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, वो भी हमने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। और सबके यूनिवर्सल फॉर्मूला भी प्रीवियस लेक्चर में कल हमने किए थे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो अब उसी को कंटिन्यू रखते हैं। सेकेंड मेथड है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड क्या होता है भाई? शुरू में क्या रेट है इनिशियल का, जैसे कि आपको मतलब पता है कि इनिशियल मतलब शुरुआती रेट क्या है। तो देखो इररिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। अब यहां पर ये चीज लिखी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको येलो कलर से मार्क भी कर रखा है। इसका मतलब कुछ चीजें हैं जो रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करती हैं, कि एक रिएक्टेंट है, दो है, तीन है, चार है, कितने हैं, ये कितने भी रिएक्टेंट ले लो सब पर एप्लीकेबल है। जनरली हमने बोला था जो हमारे रेट ऑफ इक्वेशंस हैं और वो केटी वगैरह की वैल्यू जो हम निकालते हैं, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं या रेट निकालते हैं, दो ही फॉर्मूला अभी तक हमने किया। मैं फिर से बता रहा हूँ, रेट क्या होता है, इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन की पावर, कितनी एम, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। एक तो ये फॉर्मूला किया हमने सभी रिएक्शंस के और सभी ऑर्डर्स के लिए, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 आएगा, सेकंड के लिए 2 आएगा, थर्ड के लिए 3 आएगा, जीरो के लिए 0 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला हमने क्या किया, केटी की वैल्यू निकाल ली है। केटी जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, a0 माइनस 80, और केटी जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, नेचुरल लॉग a0 माइनस 80। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या था, 1 by a0, यही था। यस सर, है ना। यस, क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है सर, है ना। ये फॉर्मूले किसके हैं, ये हैं के निकालने के या टाइम निकालने के, कंसंट्रेशन के हिसाब से। ऊपर वाले फॉर्मूले में जो रेट का फॉर्मूला है, यहाँ इनमें से कोई भी रेट नहीं है, ध्यान दे लो, फिर से दे लो, इनमें से कोई भी रेट नहीं है। समझ में आ रहा है ना सबको? केटी केटी केटी, या तो के निकलेगा या टाइम निकलेगा, कंसंट्रेशन निकलेगी, रेट नहीं निकलता इनमें से। बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई हो रहे हैं, ये पक्का पता है, ठीक है। ऊपर रेट निकलता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा मेन लेसन का नाम है, तो वो तो छोटा सा ही फॉर्मूला है। अब देखो इन सभी में, इसमें तो रिएक्टेंट कितने हैं, क्या है वो, मान लो कंसंट्रेशन है, दूसरे की कंसंट्रेशन है, तीसरे की कंसंट्रेशन है, चौथे की कंसंट्रेशन है, इसकी पावर अल्फा बीटा गामा कुछ भी लगाते जाओ, सबका जोड़ कर दो, रेट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो सब पर एप्लीकेबल होता है, चाहे कितने भी रिएक्टेंट है। लेकिन ये वाले जो फॉर्मूले हैं, इनके लिए रिएक्टेंट्स की अपने आप में कुछ प्रोहिबिशंस हैं। रिएक्टेंट एक ही होगा जनरली, आपके लिए एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वो वाले ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। दो के लिए मैंने जैसे सेकंड ऑर्डर के लिए बताया था, दो के लिए अलग होता है, तीन के लिए फिर से अलग हो जाएगा। तीन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन केस 1, 2, 3 के हिसाब से, एक की ज्यादा, दूसरे की कम है, तीसरे की बहुत कम है, ऐसे ऐसे करके उल्टा सीधा कुछ बनता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूले मेन है जो फोकस करने हैं, इनको याद रखोगे तो ओवरऑल आपके लेसन ध्यान में रहेगा, बेस है ये। ये भी यहां पर हमने बोला इनिशियल रेट मेथड, तो इसके अंदर इररिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी रिएक्शंस में हम एक ही रिएक्टेंट लेते हैं, जो हमने केटी पेटी निकाल लें, जितने भी केटी निकाल लें, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। तो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनिशियल रेट मेथड में। तो देखो क्या होता है, एन वन
इनटू ए लगा रखा है, मतलब एन वन कोफिशियंट है ए, फिर एन टू बी मतलब नंबर ऑफ मोल है ये, एन टू बी एंड एन थ्री सी एंड प्रोडक्ट बन रहा है। कितने ही प्रोडक्ट बन रहे हैं उस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ रिएक्टेंट को देखेंगे, प्रोडक्ट को देख ही नहीं रहे। तो देखो कीप द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी कॉन्स्टेंट, बी और सी की कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट कर दो, इसको मत बदलो, इसको बदलो ही मत, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये दोनों तो हमने नहीं बदले थे, चार हो यहाँ पे, डॉट 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 लगा दे, सी डी जितने भी हैं सबकी कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट कर दो, सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन बदलनी है, इसकी, समझ में आ गया बेटा, सिर्फ ए की कंसंट्रेशन बदलेंगे। तो अब देखो जरा क्या होने वाला है, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेट द ए इज डबल्ड, ए को डबल कर दिया तो रेट अगर चार गुना हो जाता है, ए को ट्रिपल किया रेट अगर नौ गुना हो जाता है, तो ए की स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड है, यस और नॉट? यस सर। ओ सिंपल इट इज, आई थिंक ये सबसे सिंपल वाला काम है, डबल किया तो डबल हो जाए, ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर, डबल किया तो कोई फर्क ना पड़े, ट्रिपल किया तो कोई फर्क ना पड़े, कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, और डबल किया तो स्क्वायर हो जाए डबल का, ट्रिपल किया ट्रिपल का स्क्वायर हो जाए, सेकंड ऑर्डर है, तो ये सेकंड ऑर्डर आ रही है, समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट है तो बोलो, सिंपल फॉर्मूला, क्लियर है ना बेटा सभी को? यस ठीक है। दीपांशु की अटेंडेंस लगाता हूं मैं, दीपांशु अभी आया ना, काफी देर होगी मैंने देखा तो था, दीपांशु बेटा आप हो गया हमारी टीम में? यस सर। पहले नाम बोला है कभी आपने क्या? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, अरे लिखवा दिया करो, अटेंडेंस लगा ही रहे हो तो बेटा, सॉरी सर। दीपांशु ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज की दीपांशु की प्रेजेंट, ओके ठीक है। तो अब देखो भाई जरा, तो यहां तक हम पहुंच गए, सेम एज इट इज यही काम हम करेंगे, अब क्या करेंगे, कीप द कंसंट्रेशन ऑफ ए और सी को कॉन्स्टेंट कर दिया, बी के अगेंस्ट देखते हैं, तो मान लो बी, ये सब ना लेट किया हुआ है, लेकिन जब आप निकालोगे तो उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मान लीजिए लेट बी इज डबल्ड, बी को डबल करते हैं लेकिन रेट भी डबल हो गया, बी को ट्रिपल करेंगे रेट ट्रिपल हो जाएगा, इसका मतलब बी के अगेंस्ट क्या है वो, फर्स्ट ऑर्डर, यस क्लियर है बेटा? यस सर। और यहाँ पर वन लिखा हुआ अच्छे से साफ नजर आ नहीं रहा है ना, ये वन कहाँ गायब हो गया, रुको रेड से लिख के देखता हूँ, ये व्हाइट पीछे आ रहा है ना, ठीक है ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो बी के अगेंस्ट फर्स्ट ऑर्डर होगी। अब नेक्स्ट देखो जरा, सी का भी ऐसे निकालेंगे, तो सी का ए और बी को कॉन्स्टेंट रखेंगे, ठीक है, और सी के अगेंस्ट देखते हैं, तो मान लो सी की डबल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपल करने पर भी कोई फर्क, मतलब वो जीरो ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा भाई, ओवरऑल रेट, थर्ड ऑर्डर, ओवरऑल रेट की वैल्यू, पहले रेट निकालते हैं, के ए के तो वो स्क्वायर के है, बी के अगेंस्ट बी की कंसंट्रेशन बदलने पर वन की पावर है, सी की कंसंट्रेशन बदलने पर जीरो की पावर है, तो ओवरऑल रेट ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, और रेट आप ऐसे निकाल सकते हो। यस बेटा सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान मेथड था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है ना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं अब जरा, नेक्स्ट देखिए अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड के अंदर देखो क्या आता है, रेट सपोज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, इसमें फॉर्मूला करेंगे हम एक, रेट सपोज दैट ए की पावर अल्फा, बी की पावर गामा, बीटा और सी की पावर गामा है, लेट्स वी हैव टू डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए की दो अलग अलग कंसंट्रेशंस हैं, बी की और सी की सेम है, समझ गए, वही चीज है, उन दोनों को कॉन्स्टेंट कर दिया और इसको सेम कर, बी और सी को कॉन्स्टेंट कर दिया और ए को बदल दिया, तो पहले जो कंसंट्रेशन थी और बाद में जो कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखो जरा, तो हमने निकाला रेट आर वन, रेट क्या आएगा, पहला ए की पावर अल्फा, बी की बीटा, सी की गामा, सेम आर टू, दोबारा रेट जब ए की कंसंट्रेशन बदल गई, तो देखो ए नोट वन लिखा हुआ है यहाँ और यहाँ ए नोट टू लिखा हुआ है, ये बात सबको समझ में आ रही है से. है ना, ये वन और टू सबको दिख रहा है ना, तो इसको तो नहीं काट सकते, लेकिन बी की, बी और सी की कंसंट्रेशन हमने बदली नहीं थी तो इसको काट सकते हैं, कट गया है। अब आगे देखो जरा, आर वन बाय आर टू क्या आ जाएगा, दोनों की पावर तो अल्फा थी ना, ए के अगेंस्ट तो वो अल्फा है उसका ऑर्डर, तो दोनों की पावर अल्फा है, ए वन नोट, ए नोट वन और ए नोट टू, दोनों की कंसंट्रेशन का डिवाइड इक्वल आएगा उनके रेट के डिवाइड के, और पावर अल्फा, पावर वही रहेगी। यस समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, यानी कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दो और रेट को डिवाइड कर दो, अगर आपको रेट पता है तो,
कंसंट्रेशन का डिवाइड एक्चुअल में रेट के डिवाइड के बराबर आ जाएगा। अगर रेट पता है, रेट का डिवाइड पता है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। यस क्लियर है सर? बात तो लास्ट वाली ही पड़ गई। क्या क्या सर? वो एक तरह से आया तो पिछले वाला मेथड ही, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल ऐसा ही, लेकिन इसमें और उसमें फर्क है कि उसके अंदर हमने डायरेक्ट निकाला था कि वो डबल कर देते तो डबल हो जाता, डायरेक्ट हमें पता लग रहा था। यहाँ हमें पता नहीं लग रहा कि डबल करने पर डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कर रहे हम, समझ गए? हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, डबल नहीं कर रहे कंसंट्रेशन। एक ही कंसंट्रेशन पहले 5 मोल ली, बाद में 6 मोल ले ली, ना ये डबल है ना कुछ है, इसका तो हिस्सा ही थोड़ा, फ्रैक्शन काफी मुश्किल आ जाएगा, तो इसमें इसको निकाल सकते। क्लियर है? जरूरी नहीं कि सीधा डबल करो, बस इतना सा फर्क है। अब आगे देखते हैं, बात वैसी, तभी तो अल्टरनेट मेथड नाम लिखा हुआ बेटा इसका। टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, अल्फा बाहर आ जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या था, एक ही पावर था, सब दोनों की पावर था ना, तो पावर कहाँ आ जाती है, अभी मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये अल्फा है, याद रख लेना, ठीक है? मैंने इसको थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा बनाया ये, वरना कभी कभी ये लगता है। आगे देखो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, लॉग R1 बाय R2 लॉग A01 बाय A02। समझ में आ गया भाई? दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा उठा के इसके डिवाइड में चला जाएगा। यस, समझ में आ गया सबको? फॉर्मूला है, याद कर लेना। पीछे वाले में फॉर्मूला नहीं था, थियोरेटिकल था, ठीक है, सोच पे डिपेंड था। ये है फॉर्मूला, सेम एज इट इज बीटा निकालेंगे, सेम एज इट इज गामा निकालेंगे, तीनों को निकाल सकते हैं, बात ही खत्म है। तीनों का फॉर्मूला, तीनों में अल्फा ही लगा दो। नेक्स्ट थर्ड मेथड आता है बेटा, इंटीग्रेटेड रेटला मेथड। इंटीग्रेटेड रेटला मेथड बहुत आसान है ये तो। देखो भाई, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ए नोट माइनस ए होता है केटी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, केटी 2.303, या फिर नेचुरल लॉग ए नोट माइनस नेचुरल लॉग ए होता है। और सेकंड ऑर्डर के लिए 1/a - 1/a0, ठीक है, at लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ये सेकंड ऑर्डर के लिए लिमिटेशन है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब इसमें मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑर्डर है? भाई k की वैल्यू पता है, कंसंट्रेशंस पता है, तो भर के देखो, ऑर्डर पता लगेगा अगर वो सही आ रहा है, मैच कर रहा है। समझ गए मेरी बात? सारी वैल्यूज भर के देखो, a0 और a की वैल्यू भर लो, k और t की वैल्यू भर लो, भर लिया और उसको फिट करके देखो, एक चीज वैल्यू एक निकाल के देखो। मान लो टी आपको ऑलरेडी पता है, बाकी सब की वैल्यू भर ली, टी की वैल्यू नहीं भरनी है, टी पता है 5 मिनट है, तो 5 मिनट निकल रहा है, जिस ऑर्डर में फिट करने पर निकल रहा है वही ऑर्डर वो रिएक्शन है। यस क्लियर है? यस ठीक है। सेकंड ऑर्डर पर इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रखा है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट आपको याद करना है, उसको उसकी डेरिवेशन नहीं की हमने, ध्यान रख लेना। डेरिवेशन वैसी सी होती है, वैसे इसके 3 केस बनते हैं अलग अलग, उसे चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल मेथड। अब इसी का ये सेकंड पार्ट है क्या इसका? थर्ड का पहला पार्ट है ओनली वन। हाँ एक और चीज मैं मिस कर रहा हूँ भाई, वो तो सेकंड वाला था ना मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, इसमें तो कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड वाला जो थर्ड पॉइंट है, इसमें ओनली वन रिएक्टेंट, यहां पर भी एक ही रिएक्टेंट पर एप्लीकेबल होता है, अब ये ध्यान रख लेना। और हमने बोला, मैंने बोला था आपको कि सिर्फ एक रिएक्टेंट पर ही, हमने जो भी फॉर्मूलाज बनाए वो सिर्फ एक रिएक्टेंट के लिए ही बनाए हैं। ये बात समझ में आ गई है ना? याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमने जितने फॉर्मूला डेन बना रखे हैं वो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट लोगे तो प्रोडक्ट अपना नहीं बनने वाला, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो जरा, अब ग्राफिकल मेथड आता है, जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर A वर्सेस T का ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, A वर्सेस T का ग्राफ जीरो ऑर्डर के अंदर। A y एक्सिस पर आएगा और T जो है वो x एक्सिस पर आएगा, डिपेंडेंट कौन सी होती है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताएगा कोई? x इंडिपेंडेंट, नीचे वाली इंडिपेंडेंट होती है, जो बेस होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, आप ऐसे कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर और डिपेंडेंट होगी, ठीक है, बस सीधी सी बात ये। एक्स और वाई एक्सिस, तो हमें पता है कि टी को डिपेंड और इंडिपेंडेंट पर रखना है और उसको डिपेंडेंट के ऊपर रखना है, तो ए वर्सेस टी जीरो ऑर्डर के लिए हमें जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन में के टी इक्वल ए नोट माइनस ए था, लेकिन हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, सीधा वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी बन गया, स्लोप आ गया नेगेटिव के, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ आता है फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए, तो वो पक्के तौर पर जीरो ऑर्डर है। अब इस ग्राफ को भी रट लेना। देखो वैसे तो आप कहोगे सर जीरो ऑर्डर का कोई भी ग्राफ ले लो, कोई भी ग्राफ, वो जीरो ऑर्डर है इसीलिए उस पर फिट बैठता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे हैं, कुछ ग्राफ जो जीरो ऑर्डर में भी वैसे ही हैं और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में भी वैसे ही आएंगे, कुछ ग्राफ
सारे नहीं तो, लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे भी हैं जो सिर्फ जीरो ऑर्डर पर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि ये कंसंट्रेशन वर्सेस टी का ग्राफ, अगर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए लेते हो तो स्लोप नीचे की तरफ आता है और ऐसा आता है, और ये ग्राफ अगर किसी भी इक्वेशन में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आ रहा है पक्के तौर पर वो क्या है, जीरो ऑर्डर है। इसलिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको भी रटना पड़ेगा, भले आपको ग्राफ आते हैं, कर सकते हो, बना सकते हो, बट बनाने के बाद पता कैसे लगेगा कि ये जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर। आप कहोगे सर हमने फर्स्ट ऑर्डर में पुट करके देखा था ये ग्राफ बन गया और बिल्कुल फिट आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए, ये जीरो में भी फिट आ रहा है तो फिर कौन सा ऑर्डर कहोगे। इसलिए कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो जीरो के लिए ये ओनली, फर्स्ट ऑर्डर में वो ऐसे नहीं आएंगे, तो वो ग्राफ आपको याद होनी चाहिए और ये उनमें से एक ग्राफ है। समझ में आई मेरी बात? इसलिए ग्राफ भी याद होना चाहिए। यस क्लियर है बेटा? इसलिए ग्राफ याद होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, वो ये वजह है। आगे देखिए अब जरा, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का भी ऐसा ही एक ग्राफ है, लॉग कंसंट्रेशन ए वर्सेस टी, नॉट ए वर्सेस टी है, लॉग कंसंट्रेशन। और एक चीज याद रखना, ये जो कंसंट्रेशन जब भी होती है ना ये हमेशा एटी होती है, यानी एट टाइम टी। कंसंट्रेशन कभी भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ या कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का ग्राफ, कोई भी ग्राफ ले रहे हो उसमें कंसंट्रेशन जो लोगे वो एट टाइम टी वाली ही होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन कभी नहीं होती है, इनिशियल कभी नहीं होती है, याद रहेगा ये बात। इनिशियल मत लेना कभी भी, इनिशियल देता ही नहीं है वो, पहली बात, ठीक है। बट फिर भी आप लोगों के दिमाग में ये बाद में डाउट्स आते हैं कि यार इनिशियल क्यों नहीं ले रहे हम, ठीक है। ये ना कई बार मैं जैसे क्वेश्चन करवा रहा होता ना, और आपने देखा होगा कई बार कि ना मैं कुछ सोच में पड़ जाता हूँ कि ये चीज हो जाए ऐसे, तो क्योंकि वो क्या चीज होती है कि हम एक स्टेप और आगे सोच जाते हैं कई बार कि यार ये इसको तो मैंने जोड़ा ही नहीं था, मैं करवा तो कुछ और रहा हूँ लेकिन मैं किसी और चीज को माइंड में जोड़ रहा होता हूँ कि यार ये चीज तो मैंने सोची नहीं, इसका मतलब इसमें गलती हो सकती है, इसको भी रिफाइन करना चाहिए। कई बार वो चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, तो वैसा ही कुछ आपके साथ भी होगा, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा आपका तो उसके बाद में वो कनेक्ट होगा, वही कनेक्शन वाली चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग ए वर्सेस टी, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले आपको इक्वेशन आनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर का केटी इक्वल क्या होता है भाई, ए नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए टी। अब हमें तो लॉग ए चाहिए, यानी कि यही यही वाला लॉग है ना, तो इसको लॉग ए में कन्वर्ट कर दो, केटी इक्वल 2.303 लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी। यस क्लियर है सबको? अब इसको इधर ले आओ, इसे प्लस में रखेंगे तो लॉग ए नोट, ए नोट नहीं सॉरी, ए टी इक्वल आ जाएगा, के टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2.303 लॉग ए नोट। अब ये 2.303 दोनों लॉग्स के बाहर है, ऐसा है ना सर? यस सर। या एक के है? नहीं सर, दोनों के होगा, दोनों के होगा, लॉग नेचुरल लॉग से ही बनाया था, ठीक है। तो पहले 2.303 जो है ना वो केटी के डिवाइड में जाएगा फिर, तो रुको, तो ये आ गया केटी इस तरफ आएगा, ये पहले इसके डिवाइड में जाएगा 2.303, ठीक है। अभी इसको इधर लेके आए हैं, केटी को इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का केटी, ठीक है, 2.303, और इसके प्लस में आएगा लॉग ए नोट, ये बनेगा। समझ में आया? ये आ गया लॉग ए माइनस का केटी लॉग ए नोट, क्लियर है? यही चीज बनाई है मैंने, बना सकते हो ना? याद रख लेना जो वर्सेस में दिया हुआ है वही आपको, ये कांस्टेंट हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस पे आ गया, ये वाई एक्सिस पे, ये इंडिपेंडेंट पे, डिपेंडेंट पे, तो आपको इसी मोड में आपको काम करना है कि एक फॉर्मूला आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, ये नीचे वाला सॉरी, एक फॉर्मूला आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का और उसके बाद में आप उसे फिट कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो फिर वैल्यू नहीं निकलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट ऑर्डर से, ये निकाल सकते हैं ना, सभी निकाल सकते हैं मुझे ऐसा लगता है, कर सकते हैं बेटा सॉल्व? यस सर। हाँ, किसी को कुछ डाउट हो ना तो बीच में बोल दिया करो कि सर कैसे आया ये, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि ग्राफ आप लोगों को आते हैं तो मुझे लगता है कि आते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट फिर भी ना आए ना तो पूछने का अधिकार है आपका 100%ली, बार बार पूछा करो। कई बार मैं एक स्टेप जैसे आगे करने की कोशिश करता हूँ, मुझे खुद को फील होता है पता नहीं इनको आता है कि नहीं आता। एक लाइव क्लास में ना ये थोड़ा सा कह सकते हैं एक ड्रॉबैक है कि अगर मैं आप लोगों की ऑफलाइन क्लास ले रहा होता तो मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत लिखवा के जरूर देखता, और लिखवा के देखता, चेक करता, तो उसके बाद मुझे काफी सारी चीजें बेसिक्स आपके बारे में पता होती कि हाँ ये बच्चों को क्लियर कट है, आता है, तो मुझे कंफ्यूजन ना होती, फिर मैं डायरेक्टली बोलता कि इससे आगे ये है, आगे का फर्दर स्टेप करना आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब ये लॉग ए तो मैंने यहाँ पर रख दिया, टी जो है वो यहाँ रख दिया,
तो बाकी का क्या आएगा, m आएगा, ये m माइनस में है तो नीचे की तरफ आएगा, और ये जो है ये हमारा क्या है, ये कॉन्स्टेंट है ना। क्लियर है बेटा सबको, ये कॉन्स्टेंट होता है c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है और इसे कॉन्स्टेंट ही बोलते हैं। तो a नोट आ गया और ये इंटरसेप्ट है और स्लोप जो है वो माइनस 2.3 ये जो भी आएगा, ठीक है। अगर ऐसा आता है, देखो अब ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ सेम आ रहा है, लेकिन ये ग्राफ कैसा आ रहा है, ये लोग a वर्सेस t है और वो क्या है, वो a वर्सेस t है, दोनों में फर्क है। क्लियर है बेटा। अगर ऐसा ग्राफ आता है तो भी वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, मतलब a वर्सेस t सही नहीं आ रहा तो लोग a वर्सेस t ले लो। सेकंड ऑर्डर के लिए देखो भाई y इक्वल mx प्लस c, तो सेकंड ऑर्डर का क्या होता है भाई, kt इक्वल a माइनस a नॉट होता है, तो माइनस a नॉट को दूसरी तरफ लेके kt प्लस में आ गया इसके। ये समझ में आया या करके बताऊं, kt इक्वल 1 बाय a t माइनस 1 बाय a नॉट। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए था, तो इसको एक साइड रख लिया, a नॉट को माइनस प्लस में, वो प्लस में आ गया इसके। यस क्लियर है, ये उठा के दूसरी तरफ ले गए। हाँ बेटा समझ में आ गया ये सर, सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक वो थी इक्वेशन। अब हमने देखो सेकंड ऑर्डर का अगर ग्राफ देखना, वन बाय ए वर्सेस टी देखना, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के ग्राफ में क्या देखना था, ए वर्सेस टी, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में क्या था, लोग ए वर्सेस टी, और सेकंड ऑर्डर में वन बाय ए वर्सेस टी। तीनों ग्राफ्स ऐसे आएंगे और तीनों ग्राफ्स में ये दोनों ग्राफ तो नीचे की तरफ स्लोप आएगा और इसका स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा तीसरे वाले का, ठीक है। तो वन बाय ए ये रहा, वन बाय ए वाई एक्सिस पर रख लिया मैंने, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, टी नीचे रख लिया तो टी यहां पर ये रहा, के इसका क्या होगा, स्लोप होगा, पॉजिटिव है स्लोप तो ऊपर की तरफ आएगा, ये बेस है और क्या बोलते हैं उसे, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, रिएक्शन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस क्लियर है सबको ये। अगर ऐसा आता है तो वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। यस बेटा सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है ये? यस सर। एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ अब मैं आपको, ध्यान देना, अभी तक जितना मैंने करवा दिया आरनियस इक्वेशन को छोड़ के, ठीक है, ये जितना हमने अभी तक किया है, सेकंड ऑर्डर वाली एक इक्वेशन आपने कर ली, इसके एक दो केस और बनते हैं सेकंड ऑर्डर के, ठीक है, एक केस और बनता है, दूसरे वाला तो है ही नहीं, उसके अंदर भी आसान सा फॉर्मूला है, ए बी बी ए बी बी ए बी नॉट बी ए ऐसा कुछ है, ठीक है, तो वही लोग वाला सेम टू सेम 2.303 ऐसा कुछ आएगा, तो एक ही फॉर्मूला समझ लो बच गया। ये करने के बाद ना आप इतने एबल हो जाओगे कि नेट केमिस्ट्री में, एमएससी केमिस्ट्री में नेट के एग्जाम के अंदर आने वाला केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, वो क्वेश्चन समझ लो एडवांस लेवल वाले ही हैं, ठीक है, लेकिन आपके एडवांस लेवल से थोड़े से एडवांस्ड है, उससे भी एडवांस है थोड़े से, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई बात? यस सर। हम मतलब जैसे कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उससे दो ग्राफ दे रखे हमें, तो हम दोनों ग्राफ को देख के बता सकते हैं किसका रेट ज्यादा है किसका कम है, दोनों ग्राफ को देख के, रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ को देखकर भाई बिल्कुल बता सकते हैं, स्लोप से पता लग जाएगा ऐसे सर, एक बार बताना। देखो बता तो सकते हैं आई थिंक, देखना ये है रेट, ठीक है, और ये ए का स्क्वायर है और ये ऐसा होता है रेट, ठीक है, ऐसे ही होता है। यस सर। तो देखो अब मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं और मैं इस ग्राफ को ऐसा बना रहा हूँ, नहीं सर इन वाले से नहीं, जो अभी आपने कराए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अभी वाले केटी वाले ग्राफ को देखिए। यस सर। ये तो समझ में आ गया होगा, ये कैसे आएगा? यस सर ये तो आ गया, इसमें कौन सा, अब इसमें बताओ फिर मेरे को कौन से वाला सही होगा सर, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। ज्यादा स्लोप मतलब, मतलब सर इसमें कौन सा ज्यादा, इधर वाला, इधर वाला सर, इधर वाला जो नीचे है थोड़ा सा, जैसे मान लो ये ए ग्राफ है, ये बी ग्राफ है, बी वाले की बात कर रहे हो, इसका रेट ज्यादा होगा है ना? यस सर। कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ाने पर रेट तो जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन थी, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पर थी और रेट यहाँ था, जैसी हल्की सी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट बढ़ गया, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा है, समझ गए? ये तो सिंपल है। अब सेकंड ऑर्डर में अब आपने क्या पूछा कि इसको देख के क्या रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं क्या, तो देखो भाई जिसका के ज्यादा होगा उसका रेट भी ज्यादा होगा, यस और नॉट? यस सर। फिर आपके सामने है,
चलो मैं एक ये रिएक्शन है और एक और रिएक्शन दिखा देता हूं, टी वन बाय ए, और इस रिएक्शन के अंदर मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, रुको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और ये समझ लो कि होरिजन एंगल है, इसका ये एंगल है, बताओ जरा रेट किसका ज्यादा होगा? सर फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का क्यों ज्यादा होगा? सर उसकी स्लोप ज्यादा है तो के ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा है मतलब एंगल ज्यादा है, तो इसका मतलब स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना रेट के। यस सर। प्रणव बेटा समझ में आ गया? यस सर क्लियर। बस इतना ही, ठीक है, दोनों तरीके से देख सकते हो, नो वरी। आगे बढ़ते हैं, ये जो चीजें अब आप पूछ रहे हो ना, जैसे यही वो चीजें होती हैं जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा दिमाग हमारा चलने लग जाता है। वो देखो फॉर्मूले तो ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाती है कि फॉर्मूला याद है कि नहीं, वो तो फिंगर टिप्स में होना चाहिए तभी आप ऐसी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग डायरेक्टली मैं बोलता हूं आपको समझ आ जाता है, ठीक है, मेरा मानना है समझ आ जाता है, किसी को ना आए तो पूछ लेना, नो वरी, ठीक है। लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं ना, उनमें से कोई एक बच्चा जरूर ऐसा होता है क्लासेस के अंदर जिसको नहीं आता, वो दोबारा से सेम चीज पूछता, फिर वो एक चीज पर तो फोकस करके यस सर बोल देता, उसके बाद में वो ध्यान ही नहीं देता क्लास में, बाकी के बच्चे फिर कोई और एक बच्चा होता है जिसको दूसरी चीज समझ में नहीं आती, और बार बार डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने पर क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस में स्पेशली, ऑफलाइन में तो कोई बोलेगा ही नहीं, लेकिन ऑनलाइन में जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो भी नहीं बोलेगा, लेकिन जो बच्चे बहुत ध्यान से कर रहे हैं और उनको समझना है वो जरूर पूछते हैं, उसके अलावा नहीं पूछता कोई, लेकिन ऑफलाइन में जनरली, ऑनलाइन में तो फिर बच्चा कोई भी पूछ लेता और फिर हमें आंसर देना पड़ता है और वो डिले करता है, इस वजह से सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है। कई बच्चों को डाउट होता है सर सेक्शंस को क्यों डिवाइड किया जाता है, ताकि बच्चे कम हो जाए। फिर दूसरा आईक्यू लेवल, किसी का स्लो लर्नर होते हैं, कोई कोई फास्ट लर्नर होते हैं, उन्हें समझ बहुत जल्दी आता है, स्लो आप फास्ट हो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है प्रैक्टिस से, जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है स्लो लर्नर भी फास्ट बन जाता है बड़े आराम से जब उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाए, और यही चीज आपको करनी है, फिंगर टिप्स में फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सारे, ये जितने भी ग्राफ बनाए ना, ये सारे ग्राफ अब मैं आपसे यहाँ यूज करवाने वाला हूँ, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई इसका स्लोप क्या होगा, और ये 1/a के इक्वल होगा, और ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव m होगा इसका, ठीक है, स्लोप। आगे देखते हैं बेटा, और इंटरसेप्ट 1/√a होगा, a नोट, ठीक है, रूट बोल रहा हूँ, 1/a नोट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आता फोर्थ मेथड, हाफ टाइम मेथड। हाफ टाइम मेथड वैसे हमने कल थोड़ा सा किया था उसी के बारे में, ओनली वन रिएक्टेंट, ये भी ओनली वन रिएक्टेंट पर ही एप्लीकेबल है, पीछे वाला मेथड वन रिएक्टेंट पर था, टू पर था, बताओ जरा, वन पे है ये, ओनली वन पर है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले बना रखे ना केटी वाले सारे फॉर्मूले वन रिएक्टेंट पर ही है, आपके सिलेबस में इससे ज्यादा है ही नहीं। एमएससी के बाद क्लास नंबर 17, आप प्लस टू में हो भी, क्लास नंबर 17 के बाद बच्चों को जनरली, वैसे तो प्लस बीएससी सेकंड ईयर में भी करवा देते हैं हम लोग, बट कोई ध्यान ही नहीं देता, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को करवा रखा बीएससी सेकंड ईयर में, बड़े अच्छे तरीके से काइनेटिक्स करवाई थी, उसके अंदर ना डायमीटर भी आता होता मॉलिक्यूल्स का, उस डायमीटर से भी कुछ निकालते होते हैं, बहुत सारे पंगे होते हैं उनमें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट काफी मतलब 5-7 फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा लगा लो और कुछ नहीं है, 5-7 ही एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे थोड़े बड़े ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो बच्चे वहां ध्यान देते नहीं, तो एमएससी के बाद में जनरली बच्चे करते हैं, जब नेट की तैयारी जो बच्चों को करनी होती है, ठीक है, होती वही चीज है, कोई खास फर्क नहीं होता, उसमें एक या दो फॉर्मूले इस वजह से ऐड हो जाते हैं कि वो वन रिएक्टेंट से ज्यादा पर एप्लीकेबल है। तो यहां देखिए हाफ टाइम मेथड है, ये भी वन पर, सीधी सी बात है, हमने केटी निकाला वन रिएक्टेंट पर निकाला, हाफ टाइम भी तो उसी का निकालोगे, यस और नॉट, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, भी वन रिएक्टेंट पर ही वो एप्लीकेबल होगा, ध्यान रख लेना, वो बस पहला मेथड था जो वन पर नहीं था, मल्टीपल रिएक्टेंट के ऊपर एप्लीकेबल था, मतलब कितने भी रिएक्टेंट। तो हाफ टाइम हमने कल किया था, एनोड की पावर 1-n, यस किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यस सबको याद है सर, कल हमने ये फॉर्मूला किया था, नहीं याद है तो पिछले नोट्स देख लेना, बहुत आसान सा फॉर्मूला, सीधा सीधा किया था हमने। तो आगे देखिए, हाफ टाइम t1 वन और हाफ टाइम टू, अगर दो हाफ टाइम है तो वो क्या होंगे भाई, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मान लो मैंने यहाँ पे के लगा दिया इनको इक्वल करने के लिए, तो के से तो के कट जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो यस और नॉट, के से के कट गया तो हमारे पास फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू नहीं आ गया, यस बेटा, यस सर,
इक्वल टू आ गया ना, इक्वल टू एन माइनस वन, बात ही खत्म है। ठीक है, क्लियर है बेटा ये? सर लेकिन फिर वहां पे ए नॉट टू अपॉन ए नॉट वन की जगह ए नॉट वन अपॉन ए नॉट टू नहीं आएगा? एक मिनट, क्या सर उस जो ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है जिसको आपने सर्कल किया राइट से, उसमें सर ए नॉट टू अपॉन ए नॉट वन की जगह ए नॉट वन? ये देखो, ये देखो बेटा, प्रणव बेटा, एन माइनस वन, वन माइनस एन, अभी बोलो। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए पलट क्यों दिया? यस सर। ठीक है, सबको समझ आया भाई, ये पलट गया है, ये ए नॉट वन बाई ए नॉट टू होना चाहिए, टी वन बाई टी टू है ना, लेकिन पलट गया। क्यों पलटा? वो एन माइनस वन माइनस एन से मैंने एन माइनस वन कर रखा, ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, यस, बाकी स्टूडेंट को क्लियर है ना बेटा? ठीक है, फॉर्मूला है सीधा सीधा, डेरिवेशन भी साफ आपको नजर आ रही है, इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं है, सीधी डेरिवेशन है, बस मल्टीपल फॉर्मूला होने की वजह से ध्यान नहीं रहते हैं फॉर्मूला, इसीलिए उनकी प्रैक्टिस जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, डू योर प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू। आगे देखो भाई, फिर हमने क्या किया, आगे इसका लॉक कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पावर नहीं चाहिए, ठीक है, ये पावर मुझे तंग करेगी, तो दोनों तरफ लॉक करना पड़ेगा, लॉग टी टू माइनस टी वन हाफ है सबका, टी टाइम हाफ है, एन माइनस वन लॉग ए नॉट टू माइनस ए नॉट वन। ठीक है, क्लियर है? आगे मैंने एन की वैल्यू यहां से निकाल ली, अब एन कैसे निकला, एन माइनस वन है, अब पूरे को नीचे डिवाइड में ले आया, ये लॉग के पूरा, ये वाली टर्म कंसंट्रेशन टाइम के डिवाइड में आ गई, तो देखो टाइम टी वन माइनस टी टू और वो कंसंट्रेशन ए टू माइनस ए वन डिवाइड में आ गए, और फिर वन रह गया ओनली, एन माइनस वन रह गया, ये तो नीचे आ गया, एन माइनस वन रह गया, माइनस का वन उधर जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। यस बेटा, समझ में आ गया सर? समझ में आ गया ना, तीन स्टेप में डेरिवेशन है, कोई तिकड़मबाजी नहीं, सीधा साफ हिसाब है ही नहीं एक्चुअल में कुछ, वो टी हाफ की वैल्यू बस उसको दो बार करके और एन की वैल्यू निकाल ली। अब एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हाफ टाइम के फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? पहले भी हमने हाफ टाइम वाला किया था, वो हाफ टाइम वाला डायरेक्ट था कि ऐसा कुछ फिट हो रहा है तो, है ना, लेकिन यहां पर हाफ टाइम से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस, सबको क्लियर है, एन की वैल्यू निकल सकती है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड, लास्ट मेथड है, पांचवा मेथड है ओसवाल्ड आइसोलेशन। मतलब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के मेथड्स हैं। पांचों मेथड दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, पांचों में से कोई भी किसी भी टाइम कभी भी एप्लीकेबल हो सकता है, कोई भी किसी भी टाइम, तो फिंगर टिप्स में होने चाहिए पांचों, याद रख लेना। क्लियर है सबको? अब देखो, ये भी इररिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट है, ये भी एक ऐसा मेथड है, पहला मेथड था वो दूसरे वाला, प्लस ये पांचवा है, बाकी सब में तो रिस्पेक्टिव टू द वन रिएक्टेंट ओनली थे। ठीक है, तो इसमें भी एबीसी एबीसी प्रोडक्ट बना रखा है, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, ये भी वही मेथड है जैसे पहले वाले में किया था ना, एक को छोड़ दो बाकी की कंसंट्रेशन सेम रख लो, एक को छोड़ के, पहले तो हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन को क्या किया था, सेम रख दिया था, कॉन्स्टेंट रख दिया था। यहां ये क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं रखना, बस वो दोनों मेथड एक ही है एक्चुअल में, बट ये क्या कह रहा है, ऑल रिएक्टेंट्स आर टेकन इन एक्सेस, जरूरत से ज्यादा ले लेंगे, ऑल मतलब बी और सी इस केस में, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा का मतलब कितने भी ले लो, तो वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होगी, एक हिसाब से कॉन्स्टेंट ही होगी। यस, क्लियर है सबको? यस सर। बस थोड़ा सा हमने घुमा दिया इसको, लेकिन है वो कॉन्स्टेंट ही, ठीक है। सो चेंज इन कंसंट्रेशन विल बी नेगलेक्जिबल, कंसंट्रेशन में चेंज ना के बराबर होगा, यस, कंसंट्रेशन में चेंज ना के बराबर होगा किन में, बी और सी में, तो ना के बराबर हो तो कॉन्स्टेंट होगी कंसंट्रेशन। अब कॉन्स्टेंट होने के बाद सो द रेट ऑफ द रिएक्टेंट विल बी डिपेंड ओनली ऑन द वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट पर होगा, और एक रिएक्टेंट का रेट निकाल लो, बात खत्म, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और रेट क्या होगा, यहां देखिए, अब जरा रेट को अल्फा बीटा गामा लेंगे, बी और सी की लार्ज कंसंट्रेशन है, तो सीधी बात, ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी कॉन्स्टेंट से, तो क्या बना, एक नया कॉन्स्टेंट के नोट, इसको मैंने के नोट लिख रखा है, ध्यान दे लेना। यस, क्लियर है सबको? यस सर। नया कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट के, इट इज के नोट, ठीक है भाई, तो नया कॉन्स्टेंट है, तो ऑब्वियस है, ये दोनों कॉन्स्टेंट थे, तो उन दोनों कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा है, ये देखो जरा, के इंटू बी सी इंटू बी इंटू सी की कंसंट्रेशन लार्ज एक्सेस में है, दोनों लार्ज और एक्सेस इकट्ठा है, कहीं समझ लो ये लार्ज और ये एक्सेस है, वैसे एक ही मतलब होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेट विल बी रिस्पेक्ट टू द ए विल बी फाउंड एंड डू सेम फॉर द बी एंड सी, वही सेम टू सेम मेथड है। यस, सबको क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े,
पांच मेथड में से दो मेथड तो सेम है, और उसमें क्या करना है, एक में तो ये देखो अल्फा बीटा गामा यही करना है, बी और सी को कांस्टेंट कर दो, ए के रिस्पेक्ट में उसको डबल करके देखो ट्रिपल करके देखो, फिर बी के रिस्पेक्ट में डबल ट्रिपल करो, फिर सी के रिस्पेक्ट में डबल ट्रिपल कर लो, ठीक है। और दूसरे में क्या करना, बी और सी को जरूरत से ज्यादा कर लो, जरूरत से ज्यादा, और फिर ए के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली ए की पावर अल्फा, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में डबल करके देखो, इसको रेट डबल हुआ कि नहीं, ट्रिपल करके देखो रेट ट्रिपल हुआ कि नहीं, प्लीज सेम है। यस सर, क्लियर। बाकी बच्चे सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए जरा, एप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर, अच्छा 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 ठीक है, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या लिखा था भाई, ये पुरानी चीजें हैं कुछ, तो सीधा बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं घर से रट्टे मार के आता हूँ और फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, सोचो हम लोग भी एक साल बाद दोबारा से फॉर्मूला को रिवाइज करवाते करते हैं जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत से टीचर का मोड आपने देखा होगा, आज यहाँ से एक बात मेरे को याद आई है, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। मोस्टली बच्चे क्या देखते हैं पता है, टीचर को याद है सब कुछ, टीचर फटाफट करवा रहा है, लिख रहा करवा रहा है, लिख रहा करवा रहा है। इज दिस नेसेसरी टू लर्न बाय अस, क्या हमें वो सब कुछ याद होना चाहिए? हेडिंग भी याद हो मेरे को, मेथड भी याद हो मेरे को, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है मान सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो हम फिर भी बुक में से देखते हैं। मैं सोच सकता हूँ कि फॉर्मूला भी याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें समझाना आना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि हम लोग भी एक साल बाद दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ ना, इस फॉर्मूला को करने वाला हूँ, लेकिन बच्चों के दिमाग में होता है कि टीचर को सब कुछ याद होना चाहिए। अगर ऐसा है आप लोग खुद सोच के देखिए, आपने टेंथ पास की को एक साल हो चुका है ना आपको, टेंथ पास की को है ना, दूसरा साल है आपको ना, फ्रस्टम का एक वॉल्यूम आता होता था, बाल्टी फ्रस्टम बोलते हैं उसे, यस सर, बाल्टी का वॉल्यूम, उसका एल उसका आर निकालने का फॉर्मूला, अभी याद है क्या अच्छे से? कितना कॉन्फिडेंस है कि वो सही होगा? 90% 70%, और कितनों को याद है सोच के देखना, क्योंकि आपको एक पूरा तो याद नहीं है, लेकिन ये याद है किस किस चीज पे डिपेंड करता है ना। अब पूरा फॉर्मूला याद नहीं, भूल गए, अब मान लो दो साल बाद मैं पूछूं, अभी तो एक ही हुआ है, और आप उसे रिवाइज नहीं करते, मैथ नहीं खोलते, तो अगर टीचर, जो टीचर आपको लग रहा है बोर्ड पे सारा पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो घर से अच्छे वाले रट्टे मार के आया, क्योंकि एक साल बाद तो कोई एक पॉइंट भी भूल गया तो घाटा तो आपका है ना बेटा, समझ रहे हो? इसका मतलब अगर वो सारी चीजें करवा रहा है तो डेफिनेटली घर से याद करके आया, और अगर वो घर से याद करके आया तो बच्चों के सामने उसको बुक खोलने में क्यों शर्म आ रही है भाई? घर पे ही तो रट्टा मार रहा था वो, भले उसको टाइम, देखो उसको टाइम लगेगा बहुत कम, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इन फॉर्मूलाज को याद करने में टाइम नहीं लगेगा, मुझे ये मतलब 10 मिनट में मैं फटाफट देख लूंगा ऊपर से, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट जब मुझे आपको करवाने होंगे मेरे दिमाग से स्लिप हो जाएगा, मैं कौन सा फॉर्मूला करवा दिया कौन सा रह गया, सीक्वेंस में भी नहीं करवा पाऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात? ये बात समझ में आ रही है? सीक्वेंस में भी नहीं करवा पाऊंगा, मुझे रट्टा लगाना पड़ेगा ताकि आपको मैं सीक्वेंस में भी करवा सकूं, और क्लास में सोचने का टाइम भी नहीं मिलता टीचर को, क्योंकि उसे लगातार करवाना होता तो मेरे को बहुत अच्छे से रट्टा लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? तो जो टीचर आपको डायरेक्ट करवाते हैं इसका मतलब वो घर से याद करके आते हैं, लेकिन उनका मैं मानता हूं उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, अगर पूरी बुक में से कहीं से फॉर्मूला पूछ के देख लो उनको सब कुछ याद नहीं होता, ये याद रख लेना, और वो काफी हद तक उस बुक का वो मतलब सिस्टम ही साफ हो जाता है कई बार तो उन टीचर्स का, मैंने ऐसा देखा, मैंने बहुत रिसर्च की इस बात पे कि क्या ये फॉर्मूला और पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है टीचर की, ये तो होना चाहिए, लेकिन उस टीचर को ऑन द स्पॉट कहीं पर भी कोई क्वेश्चन दोगे जो सिर्फ सीक्वेंस याद करके आता है, सीक्वेंस भी याद करके आता है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है, उसके दिमाग की आदत ही ऐसी बन जाती है कि सीक्वेंस एक ही बार तो क्लास में डिलीवर करना है, कल तो डिलीवर नहीं करना, आज आज का काम चाहिए, आज आज के लिए चला लो, माइंड भी ऐसा ही सोचता है कि आज आज याद रखना है, तो वो अपने माइंड से खेल रहे हैं, वो अपना थोड़ा सा घाटा कर रहे हैं, इसकी बजाय वो फॉर्मूला याद रखें, प्रैक्टिस करें, दैट्स द गुडनेस, लेकिन अपने नोट्स लेके आए कि पहले ये करवाना, दूसरा ये करवाना, तीसरा ये करवाना। बच्चे कई बार बोलते हैं सर आपके नोट्स दे दो, बेटा सारे नोट्स अभी ले लो मेरे से, मैं तो खुद ही बोलता हूँ अभी ले लो नोट्स बुक्स, कोई बात नहीं है, पढ़ लोगे, पढ़ना पढ़ाना तो फिर भी हमें पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर इस बात से आप टीचर को जज करते हैं कि इसको सब कुछ याद है, तो उस टीचर को सब कुछ याद नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद नहीं है तो उसके पास वो भगवान थोड़ा, एक साल की बात आप भूल गए, दो साल बाद आप और भूल जाओगे, तीसरे साल तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि फॉर्मूला ही क्या था। तो अगर टीचर याद नहीं करता, डेफिनेटली वो याद करके आता है, और अगर मैं एक साल बाद इस चीज को देख रहा हूँ, मेरे सामने बुक है तो रिवाइज हो गया, सीधा रिवाइज हो गया, अगर मेरे सामने बुक नहीं है तो मुझे घर से पढ़ना पड़ेगा, बात तो एक ही है। बट कुछ लोग मानते हैं
कि नहीं नहीं टीचर अगर क्लास में देखेगा तो वो समझेगा कैसे, अरे उसने ऑलरेडी समझ रखा है, ऑलरेडी उसको याद है, बस एक बार आंखों के आगे होना चाहिए, आंखों के आगे आते ही वो बता देता है, बड़ी बात नहीं है ये। बट वो आंखों के आगे भी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं कि नहीं नहीं टीचर तो बुक खोले ही ना, टीचर बुक नहीं लेके आएगा क्लास में, वरना बच्चे सोचते हैं कि इसको तो खुद ही नहीं आता, और ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चे ऐसा सोचते हैं तो वो मोस्टली डफर स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सर को सब कुछ याद है, तो कोई भगवान तो है नहीं भाई, हम में भी आप जैसा ही दिमाग है, हम भी भूल सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं, हम फॉर्मूले ना भी याद रखें। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं फॉर्मूले याद नहीं रखते, क्योंकि उनके सामने वो सीधा बोल देते हैं ये वाला फॉर्मूला। मैंने अगर ये चीज 10 बार पढ़ा रखी है, सोचो 2009 से पढ़ा रहा हूँ, 2009 से लेकर 2023 आ गया, प्लस 1-2 को 2009 से पढ़ा रहा हूँ, बीएससी को 2011 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एमएससी को 2014 से पढ़ा रहा हूँ, सोच लीजिए। तो इतने सालों से हम रिपीट कर रहे हैं, बीच में अभी मैंने 2-1 साल छोड़ दिया था एमएससी को पढ़ाना, है ना, तो इतने सालों से हम रिपीट कर रहे हैं। तो अगर कुछ गलत हुआ ना, भले ही मुझे याद ना आए, लेकिन इतना पक्का पता है कि मेरे को गलती पता समझ में आ जाएगी कि गलत यहां पर है, समझ में आ गया, गलती पता लग जाती है, भले ही हमें याद नहीं आता कि इसमें गलती क्या है, क्योंकि मे भी वो याद ना रहे कि गलती क्या है, बट क्या गलत है वो समझ में आ जाता है। यस बेटा, ये बात समझ में आई, टीचर का एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? सर ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, और अगर आप इस चीज को मिथ को मानते हैं तो अपने ऊपर एक बार अप्लाई करके देखिएगा। टेंथ का अगर मैं कोई न्यूमेरिकल आपके 90, मैं कहता हूँ मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आए, लेकिन टेंथ का अगर कोई न्यूमेरिकल आप दे दूं तो शायद वो सॉल्व नहीं होगा, तो मैं क्या कहूँ कि आपके 100 में से 100 मार्क्स फेक थे? नहीं, उस टाइम आप 100% प्रिपेयर थे। बट अगर आपको मैथ अब दिखा दूं दोबारा से, एक बार रिवाइज करवा दूं, 5 मिनट में फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, 5 मिनट में, जस्ट 5 मिनट, तो 5 मिनट में याद हो रहा है। क्या बेटा, क्या बेटा, प्रैक्टिस नहीं करते ना तो वो थोड़ा थोड़ा सा भूल जाते हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि टीचर भी 1 साल बाद अगर देखेगा किसी फॉर्मूले को तो उसको भी थोड़ा सा तो हल्का सा देखना पड़ेगा और उसे याद आ जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं देख रहा है तो गलत फहमी में मत रहिएगा, वो घर से रट्टा मार के आया है, सीधी बात, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ देखिए अब ना एक और चीज आती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, एप्लीकेबल फॉर्मूला है, एप्लीकेशन फॉर्मूला कह लो या एप्लीकेबल कह लो, इसके ना 3-4 फॉर्मूले आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पर 3-4 फॉर्मूले मिलेंगे, 3-4, ठीक है, समझ में आ रही है बात। बट मैंने इसके लिए एक ही फॉर्मूला बनाया, सारों को रिसर्च विसर्च कर करके एक फॉर्मूला सामने है, बस यही है और कुछ नहीं है, समझ में आ गया भाई, ये बात क्लियर हुई, सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, हर बार यही होगा। अब देखो जरा क्या है, अगर वी नोट दे रखा है ठीक है भरो, वी इंफिनिटी दे रखा है भरो, वी इंफिनिटी दे रखा है भरो, वी टी दे रखा है भरो, मतलब चारों चीजें दी हैं चारों भर दो, अगर इंफिनिटी नहीं दिया तो माइनस से माइनस कर जाएगा, समझ रहे हो, ये 0-0 भर दो, इंफिनिटी नहीं दिया तो 0-0 भर दो, फॉर्मूला सिर्फ ये रह जाएगा, ये क्या है पता है, ए नोट बाय ए टी, यस है कि नहीं, वही फॉर्मूला है, के टी 2.303 लॉग ए नोट बाय ए टी, यस बेटा, यस सर, तो यानी ये 0 भरोगे तो माइनस से माइनस कर जाएगा, ए नोट बाय ए टी बच गया, वी ये वॉल्यूम की फॉर्म में है, वी नोट बाय वी टी, अगर वी इंफिनिटी, मैंने बोला था ना एक कल आपको पी अल्फा करवाया था, प्रेशर एट इंफिनिटी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे प्रणव ने तभी क्वेश्चन पूछा सर 100% तो होगी नहीं रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की, तो होती नहीं है, है ना, तो इनफाइनाइट टाइम पर तो पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, याद है बेटा प्रणव? यस सर। तो मैंने बोला था बेटा 99.99% लगा, वरना इनफाइनाइट टाइम पर, तो इनफाइनाइट वॉल्यूम के ऊपर, मतलब इनिशियल वॉल्यूम और टी टाइम पर वॉल्यूम तो पता है, और इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम, वी इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम, पी अल्फा जो था वो इनफाइनाइट टाइम के ऊपर प्रेशर था, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 100% पे था, तो अब हमारे 100% होती नहीं है बट इनफाइनाइट पे तो हो सकती है, फिर मैंने बोला चलो छोड़ो कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं, 99.99% ले लो, बात ही खत्म, ठीक है। तो यहां पर ये है वही लगभग 99.99%, अगर आपको वो दे रखा है v इंफिनिटी तो भर दो, नहीं दे रखा तो काट दो, ठीक है, और सीधा फॉर्मूला ये आ जाएगा, यस सर क्लियर। अब क्या होता है मैं बताता हूं, मोस्टली इन न्यूमेरिकल्स में जो चीज वैल्यू दी है वो भर दो, बाकी को छोड़ दो, जीरो मान लो, ठीक है, ये सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा, वरना इसकी जगह 4 फॉर्मूले अलग अलग याद करने पड़ेंगे, जब इन्फिनिटी दिया हो तो ये करो, जब ये ना दिया हो तो वो करो, जब वो ना दिया हो तो ऐसे करो, वैसे ना दिया तो वैसे करो, उसके बजाय सीधा एक फॉर्मूला है, बात खत्म, और ये क्या है, एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर है, अब बात ही खत्म है, ठीक है बेटा आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, आपके एनसीईआरटी में भी आएंगे, एनसीईआरटी में ऐसा न्यूमेरिकल देखा गया,
और उसमें ना एक और चीज बताता हूँ, उसमें अलग अलग फॉर्मूले यूज करके करा होगा, और मैं चाहता हूँ यही फॉर्मूला यूज करो, जो वैल्यू दिया भर दो, जो नहीं दिया जीरो भरो, बात खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, सबको पता लग गया भाई। मान लो वी नॉट नहीं दिया हुआ ना, इसको जीरो भर दिया, तो वी इन्फिनिटी बाय वी इन्फिनिटी माइनस वी टी ऐसा ही भर सकते हो, ये याद रख लेना। मतलब किसी भी तरह से जो वैल्यू दे रखी सिर्फ वही वैल्यू भरनी है और कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना बेटा वो सब? सर v इनफिनिटी हमारा इनफिनिटी टाइम पे वॉल्यूम था। हाँ इनफिनिटी टाइम पे वॉल्यूम, मतलब 100% जब रिएक्शन हो जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम जितना होता है, फिर फाइनल वॉल्यूम मतलब रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइनल, मतलब लेकिन रिएक्टेंट का इनफिनिटी के ऊपर वॉल्यूम तो जीरो हो जाता है लगभग, मतलब रिएक्शन 100% हो चुकी तो प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम ऐसा कह लो। समझ में आया या दोबारा बताऊं? यस सर। नहीं सर आ गया। आ गया ठीक है। शूडो, अब देखो जब न्यूमेरिकल लगाओगे ना तब आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अभी अभी जैसे हो सकता है कि एक बार याद हो जाता है, फिर ना कोई दूसरा पॉइंट याद आता है बच्चे को, अरे यार ये रह गया। इसलिए मैं सोचता था कि जब एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हर चीज को दोबारा से क्लियर करेंगे, तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अपने हाथ से जब आप कर लोगे तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। इसलिए एनसीईआरटी जरूर 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 करने हैं, और मैं आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ बहुत सारा। ठीक है, आगे देखो भाई। शूडो फर्स्ट ऑर्डर नकली, शूडो का मतलब होता है नकली, पता है सबको? सर याद है ना, नकली फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? ए और बी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रेट क्या आता है? के इंटू ए की पावर ए, ए की पावर वन, बी की पावर वन, तो ऑर्डर तो हो गया टू। मान लो ये रेट आता है एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि रेट हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, भूल मत जाना इस बात को, रेट हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, और ऑर्डर जो है ना वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हो सकता है ना फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मान लो कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इसका मान क्या लेना, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है दोनों की कंसंट्रेशन पे। तो अब मान लो ए और बी इज इन लार्ज एक्सेस, वही वही कहानी है ओसवाल डाइल्यूशन वाली है वो पहले वाली। मान लो ए या बी में से कोई एक लार्ज में है, मे बी ए और बी यूज्ड एज सॉल्वेंट, यानी ए या बी में से कोई एक जो है वो सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, सॉल्वेंट की तरह, तो वो तो सॉल्वेंट तो ज्यादा अमाउंट में होगा ना, 1 लीटर में हमने 1 मोल नमक मिलाया, 1000 ग्राम पानी के अंदर 1 मोल नमक, 58.5 ग्राम नमक मिला दिया। अरे भाई 58.5 ग्राम से तो कुछ बात ही नहीं बनती, 1000 ग्राम के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं, जब आपको ऐसी चीजें कंपेयर करनी हो ना तो खुद के पैसे से सोचा करो, बंदे को बहुत जल्दी समझ में आती है। छोटे बच्चों को भी ना, 5-7 साल का बच्चा, उसको पैसे की बड़ी जल्दी समझ आती है, बाकी चाहे समझ हो ना हो, है ना। तो हमारा दिमाग ही वैसे है, इतने सालों से पैसा 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 करते करते दिमाग के जीन में घुस गया पैसा, तो कोई चीज समझ नहीं हो तो आसानी से समझ में आती है पैसे की फॉर्म में। समझ गए, क्लियर है? अब एक चीज यहाँ से एक चीज बताता हूँ, लोग आपने देखे होंगे ना मनी माइंडेड है ये, तो सिर्फ मनी पैसा कमाना चाहता है, उसके जीन में पैसा घुस चुका है। पैसा किस लिए कमाना जरूरी था? ताकि जीवन चर्या चल सके, हम अच्छी जिंदगी जी सके, इसलिए पैसा जरूरी है। लेकिन पैसा पर फोकस करते करते वो बिल्कुल ही मनी माइंडेड हो गया, अब उसको सिर्फ ही पैसा चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं है, बीवी बच्चे घर बार कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, उनको तो पैसा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग सिर्फ नशा ही करना पसंद करते हैं, तो वो उनका ना माइंड सेट वैसा बन जाता है, क्योंकि लोग सिखा देते हैं कि भी वैसा ही है। होना क्या चाहिए, आइडियल लाइफ क्या होनी चाहिए? कि इतना पैसा हो लाइफ में कि किसी चीज की कमी महसूस ना हो, घर अच्छे से चले, गाड़ी भी हो, ठीक है, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत ना हो, किसी भी टेंशन, किसी भी चीज को लेने में कोई टेंशन ना हो उसको। अब मैं ये नहीं कहता कि करोड़ी 10 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, भाई इतना होगी आपके पास 20-30 लाख की गाड़ी खरीदने की हिम्मत हो, दैट्स इनफ। और उतनी वो गाड़ी आपके घर खड़ी, और अगर वो उसको कुछ खो जाता तो एक और 20-30 लाख की गाड़ी ले सको। पर मंथ की इनकम आज के टाइम की बता रहा हूँ, 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम आ रही है आपकी, आप सिक्योर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20-30 साल कमाएंगे तो बच्चों का सब कुछ बढ़िया कर जाएंगे, एक अच्छा सा घर हो 150 से 200 गज के अंदर, भले ही जरूरी नहीं है कि दिल्ली के सेंटर एरिया में लेना, अपने वो प्रधानमंत्री के मकान के साथ में होना चाहिए, वो तो भाई अरबों खरबों में आएगा, है ना। दिल्ली में भी थोड़ा सा दूर ले लो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा घर थोड़ा बड़ा हो, साइज में बड़ा हो, वहां ले सकते हो। छोटा घर कोई फ्लैट भी लेना दिल्ली में, कोई छोटा मोटा फ्लैट भी हो, इतनी सी अगर इंसान के पास में हो, मतलब 2 घर हो, एक बाहर हो थोड़ा बड़ा, ठीक है, आउटर एरिया में जिसको हम बोल सकते हैं कि फार्म हाउस, और एक दिल्ली के अंदर हो, दैट्स इनफ ना, इतना काफी है। बच्चे पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ठीक कमा रहे हो, लेकिन वो 1-1.5 लाख रुपए की जॉब ना ऐसा नहीं होनी कि सुबह 8 बजे लगे और रात को 8 बजे फ्री होते हो, ऐसी जॉब नहीं, जॉब ऐसी होनी चाहिए सुबह आप 8-9 बजे लगते हो, दोपहर को 2 बजे तक खत्म। आपकी लाइफ में टाइम भी बहुत जरूरी है, टाइम और मनी का बैलेंस जिसके पास है वो सबसे सुखी है, याद रखना। कुछ लोगों के पास टाइम बहुत है, विल है, लेकिन पैसा है ही नहीं, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन टाइम ही नहीं है, दोनों जिंदगियां बर्बाद।
ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसी लाइफ हमें चाहिए। तो यहां देखो ए और बी एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है भाई, सो द रिएक्शन रिएक्शन बिकम फर्स्ट ऑर्डर। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी, जैसे कि यहां पर दिखा रखा है। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं एस्टर है ये, ठीक है, CH3COOC2H5, और ये वाटर एच पॉजिटिव आयन एसिड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एथेनॉल बना रहा है। यस, हियर वाटर इज इन एक्सेस, वाटर एक्सेस में है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर बन गई। यस बेटा, सबको समझ में आ गया व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर? नकली फर्स्ट ऑर्डर, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल देते हैं, क्योंकि ये डिपेंड तो दोनों पे करती है। इसका रेट क्या आएगा पता है? रेट आएगा इसका एस्टर, ठीक है, एस्टर की पावर वन और वाटर की पावर वन और के से मल्टीप्लाई, ये आएगा इसका रेट। बट क्योंकि एक्सेस में है तो ये और ये दोनों कॉन्स्टेंट हो गए, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन तो बहुत थोड़ी सी यूज होगी ना, पानी की कंसेंट्रेशन तो, ठीक है, एस्टर के मुकाबले। तो ये और ये कॉन्स्टेंट हो गए, इसलिए ये एक बड़ा कॉन्स्टेंट बन जाएगा और एस्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। दैट्स इट। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये समझ नहीं आया कैसे? समझ नहीं आया? देखो मान लो आपके स्टूडो कैसे हो रहा है, मतलब इसका ऑर्डर अलग है। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आई ना, ये तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वाटर एक्सेस में है तो ये फर्स्ट ऑर्डर बनेगी। ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ये तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो हमने जो ओसवाल्ड मेथड किया था वो याद है आपको? उसमें हम यही करते थे कि बी की कंसंट्रेशन मान लो मैंने लार्ज कर दी, जरूरत से ज्यादा बी, ये बी है, ये ए है, ठीक है, तो ये बी पर भी डिपेंड कर रहा है, ये देखो बी पर भी डिपेंड कर रहा है और ए पर भी डिपेंड कर रहा है, ये तो दोनों पर डिपेंड कर रहा है। बट क्योंकि बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ए पर कर रहा है। ज्यादा का मतलब मान लो अब यहां से क्यों ऐसा हो रहा है, आप बोलोगे कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर ही रहा है बी के, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन मान के चलो आपने एक लीटर पानी लिया, एक लीटर पानी में से यूज जितना होता है, यूज कितना हुआ, सिर्फ एक मोल, 55 ग्राम, 55.55 ग्राम, इतना पानी, नहीं ये तो उल्टा बता रहा हूं मैं, एक मोल सॉरी 18 ग्राम होता है ना, 18 ग्राम ओनली 18 ग्राम पानी यूज होता है। एक मोल एस्टर के लिए एक ही मोल पानी लगता है और ये एक एक मोल बन जाते हैं। ये तो बैलेंसिंग से पता लग रहा है आपको, है ना? तो 18 ग्राम यूज हुआ, तो मुझे चाहिए तो सिर्फ 18 ग्राम था और मेरे पास है कितना, 1000 ग्राम है, यानी ये कितना यूज हुआ वाटर, ना के बराबर, अप्रोक्सीमेट जीरो, वाटर का यूज लगभग जीरो हुआ है। तो मैं कह सकता हूं वाटर की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि उसका तो यूज हुआ ही नहीं है, तो सिर्फ यूज किस का हुआ है, ए का हुआ है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर बन गई। हालांकि अगर मैं सिर्फ 20 ग्राम पानी मिलाता, सिर्फ 20 ग्राम और दोनों का सोलवेंट कुछ और होता, मान लो दोनों को अमोनिया में रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं अमोनिया डाल देता हूं, तो पानी 20 ग्राम में से 18 ग्राम यूज हो जाता, तो इसकी कंसंट्रेशन पर भी ये डिपेंड करती और साथ में और एस्टर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता। तो इसीलिए क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट था वो अपने आप में सोलवेंट हो गया, रिएक्टेंट ही सोलवेंट बन गया, समझ गए बेटा? इसलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, अमोनिया में रिएक्शन नहीं करवाई जा सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो रिएक्टेंट ही सोलवेंट बन गया, इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव डीके देखो भाई, डिसइंटीग्रेशन, प्रणव कल बात कर रहा था सर कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आती हैं, बिल्कुल आती हैं बेटा, ये वही है। तो रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है, मैंने कल भी बताया था, सीधा ही बता दिया था। तो इसको लेते हैं एन नोट बाई एन, यानी ए नोट बाई ए टी, ये वही है, बाकी फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट ऑर्डर है तो वही रहेगा। यस बेटा, क्लियर है सबको? है ना? Yes, अब इसमें ना, अब इसके अंदर एक एवरेज टाइम निकालते होते हैं, वो क्या होता है, 1/k एवरेज टाइम होता है इसका, ठीक है। तो ये आपको पता है टी हाफ कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ 0.693 होता है, तो यानी k को इधर ले जाओ, ठीक है, या इस 0.39 को इधर ले आओ, जब ये हिस्सा यहां आ जाता है इसको बोलते हैं एवरेज टाइम। क्लियर है? यानी 1/k एक्चुअल में एवरेज टाइम होता है किसी भी रेडियो एक्टिव डीके का या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एवरेज टाइम होता है, कि वो कितने टाइम में पूरी होने वाली है। एवरेज टाइम को आप ये कह सकते हैं कि वो कितने टाइम में पूरी होने वाली है, उसका एवरेज टाइम, क्योंकि 100% नहीं होता वो, है ना? तो ऐसा कुछ होता है, वो एवरेज टाइम है उसका।
तो ये आ गया। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने इसको लेफ्ट राइट लेके गए, ठीक है, तो 1 बाय के की वैल्यू 1 बाय 0.693 है, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1.44 इनटू टी हाफ, टी हाफ वही रहेगा, 1 बाय 693 जो होता है वो 1.44 इनटू टी हाफ, यानी 1 बाय के की वैल्यू इतनी होती है। याद रहेगा ये डाटा, पहले तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 बाय के और ये याद रख लो, इसकी जरूरत ही नहीं, 1 बाय के की वैल्यू निकालनी है हाफ टाइम से, बस ये फॉर्मूला ही काफी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है 1.44 ही लगाना है, आप ये भी करके कर ही सकते हो। यस क्लियर है? यस सर। और इसको बोलते हैं टाउ, 1 बाय के को टाउ बोलते हैं, ये ऐसा होता है, ऐसे टी को बस ऐसे टेढ़ा बना दो, सी के ऊपर एक लाइन लगा दो, टाउ बोलते हैं इसे, टाउ कह सकते हो, टी ए यू, ताऊ जी, हरियाणा में चलता है ना ताऊ, पता होगा सबको, हरियाणा का ताऊ का नाम सुना होगा ना सर, ये वही हरियाणा वाला ताऊ है, ठीक है, हमारे यहाँ पे ताऊ देवीलाल हुए हैं, ठीक है, जो हरियाणा के पहले, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे, किसानों के मसीहा रहे हैं, ठीक है, चौटाला फैमिली से, चौटाला गांव है सिरसा के पास में ही है, वहां से बिलोंग करता है, और वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, अच्छा खासा काम किया था उन्होंने, ठीक है, उन्हीं के नाम से फेमस है हरियाणा में ताऊ। वैसे हरियाणा वाले होते भी ऐसे ही है कि कोई बड़ी एज का है, उनके फादर से बड़ा था, उसको ताऊ बोलते हैं, राम राम ताऊ टुक्कर सा है, किसी को आती है हरियाणा में क्या? नहीं सर बोलने नहीं आती, लेकिन समझ में आती है, समझ में आती सबको, चलो ठीक है, बोलने नहीं आती। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से हरियाणा मेजोरिटी के लोग ज्यादा हैं। ज्यादा है तो आपने सीखी नहीं हरियाणा वाली भाषा, वो लोग कैसे बोलते हैं जैसे लड़ रहे हैं? लेकिन सर मैं यहाँ बचपन से रह रही हूँ तो आती है, समझ में आ जाती है, बोलने नहीं आई है ना ऐसे मेरे साथ, कभी कभी सर मैं समझ भी नहीं पाती हूँ, कभी कभी समझ नहीं पाते, अरे बचपन से रह रहे हो फिर तो समझ आ ही जाती। देखो मेरे को ना, मैं हरियाणा के कोर से हूँ, जींद और रोहतक, मेरे मम्मी जो है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो दोनों हरियाणवी बोलते हैं, पापा अभी नहीं है मेरे, तो डेफिनेट सी बात है मुझे हरियाणवी आती है, बचपन से हमने सीख रखी है, हरियाणवी फुल लोन आती है जैसा आप लोगों ने सुना होगा। उसके अलावा मैं हमेशा सरदारों में रहा हूँ तो मुझे पंजाबी भी फुल लोन आती है, मेरा नाम मनजीत सिंह है, हरियाणा वाले भी सिंह लगाते हैं पीछे शेर के लिए, और पंजाब वाले सिंह लगाते हैं, पंजाब वालों ने तो पेटेंट करवा रखा कि सिंह लगा तो मतलब सरदारी होगा, तो मेरा नाम सरदारों जैसा है, और मेरे को पंजाबी भी बहुत अच्छे से बोलनी आती है, तो अगर मैं पंजाबी में किसी से बात कर रहा हूँ तो कोई बंदा मुझे ये नहीं कह सकता कि ये हरियाणा से बिलोंग करता होगा, जब मैं हरियाणवी में बोलता हूँ तो सबको ऐसा लगता है कि इसे हरियाणवी भी आती है, और कुछ नोट सोचते कि लोग पंजाबी हैं पर है नहीं सर, मेरे पापा भी सिंह लगाते हैं, मनजीत सिंह। मनजीत सिंह क्या बात है अरे सिंह हरियाणा वालों का भी पेटेंट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना लोगों ने प्रिटेंड लगा लिया कि सिंह मतलब सरदार होता है, तो वो फेमस ज्यादा हो गया, लेकिन सिंह का मतलब वो शेर के लिए लगाया जाता था, सिंह मतलब शेर, ठीक है, खैर चलो कोई बात नहीं, वो तो जैसा भी है। अब उसके बाद में एक और चीज बताता हूँ, मुझे बागड़ी भी आती है, बागड़ी क्या है लैंग्वेज पता है, राजस्थानी लैंग्वेज और हरियाणवी लैंग्वेज के उन दोनों के बीच के एरिया में जो रहते हैं वो ना तो हरियाणवी प्योर बोलते हैं ना राजस्थानी प्योर बोल पाते हैं, तो उनका दोनों का मिक्सचर सा है, चटनी कह लो हरियाणवी और राजस्थानी की, उसको बोलते हैं बागड़ी लैंग्वेज, ठीक है, थे किन गया के करो सा, इस तरह की कुछ राजस्थानी टच भी आता है, तो वो भी मुझे कुछ कुछ आती है, मतलब 70% आती है, 30% नहीं आती, समझ सारी सकता हूँ लगभग, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ पूरी, ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे गुजर मेजोरिटी ज्यादा है सर, तो वहाँ पे ऐसे बोलते हैं राजस्थानी बोलते हैं, मतलब राजस्थानी में बोलते पर पता नहीं भाषा तो बोलते शायद हरियाणवी है पता नहीं कौन सी, लेकिन सर वो गुजर वो इस तरह से, देखो मैं बोल के दिखाता हूँ, वो इस तरह से कहते हैं किन्ने जाए कठे जाए कौन है, ठीक है, हाँ एक एवरेज को ना तीन लैंग्वेज आती है सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा मुझे भी तीन आती है मुझे हिंदी भी आती है क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़े हैं, तो हिंदी तो आपके सामने बोल ही रहा हूँ, तो हिंदी बोल रहा हूँ तो सभी मुझे टिपिकली शहरी समझते हैं, उसे लगता नहीं कि मेरे को हरियाणवी आती होगी, ठेठ हरियाणवी है ना, और पंजाबी भी कोर पर पंजाबी भी मुझे आती है बड़े अच्छे से आती है, और उसके अलावा कुछ कुछ बागड़ी आती है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं टूटी फूटी, नॉट द मैं ये नहीं कहूंगा इंग्लिश में फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं है, बट 70% इंग्लिश की फ्लुएंसी भी है, जवाब दे सकते हैं, समझ तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, तो तीन चार लैंग्वेजेस ली एवरेजली आती है इंडियंस को, उनके आसपास की लैंग्वेज होती है ना, संस्कृत भी आती होगी फिर तो, संस्कृत नहीं आती बेटा, नहीं संस्कृत नहीं आती, संस्कृत मेरे पास ना 8th क्लास में संस्कृत थी,
थोड़ा बहुत कुछ कुछ श्लोक मुझे आज भी याद है, रट्टे मारे हुए थे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव द्रविणम सखा, त्वमेव देवम मम देव देव, ऐसा कुछ एक दो श्लोक और भी आते होंगे, याद करूंगा तो आ जाएंगे। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम वाला भी आता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये वाले श्लोक 10-12 श्लोक हमने रट्टा मारे थे 8वीं में, आज तक याद है मुझे। कुछ कुछ सारे तो नहीं आते, लेकिन आज तक याद है थोड़े थोड़े। ठीक है, 8वीं के याद है, 2000 में 8वीं कर ली थी, देख लो 23 साल पहले के, अभी भी याद है, और आज ही बोल रहा हूँ मैं आपके सामने याद करके। सोचो उस टाइम रट्टे कितने जबरदस्त लगवाते थे टीचर, है ना। एक मेरा म्यूजिक का था, म्यूजिक के अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ। मुझे आज भी वो ताल होती है ना म्यूजिक में, ताल ताल कहरवा और तीन ताल, धागे नती ना के दिना धा, धागे नती ना के दिना धा, धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, धा तिन दिंदा, ता दिन दिंदा, ता दिन दिंदा, धा, ये भी मुझे आज भी याद है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन फुल ऑन रट्टा लगा रखा था इसका हमने, पेपर में आता था भाई, इसलिए रट्टा मारना पड़ा। सर ये म्यूजिक में होता है, मैं भी सर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ, तो सर मैंने ये करा है। तीन ताल और ताल कहरवा पक्का वही सिखाते हैं, सबसे पहले सारे गामा है, फिर वो तीन ताल और ताल कहरवा सिखाते हैं। मुझे नहीं पता है ये काम कहाँ आती है, मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, बट मेरे को रट्टा लगा हुआ इनका, ये दो ताल तो मेरे को अच्छे से आते हैं, और एक और था पता नहीं उसको क्या बोलते थे, दादिर दारा दादारा, दिर दादिर दारा दादारा, ये क्या चीज होती है मुझे नहीं पता, ये भी है कुछ, इसका भी रट्टा लगा रखा हमने, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, अभी तक याद है ये चीजें, है ना। चलिए खैर, आप लोगों को भी काफी कुछ, मुझे मेरे हिसाब से दिल्ली में रह रहे हैं तो इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी आती होगी, है ना, और हिंदी तो आती है ना, उसके अलावा आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है तो वो भी डेफिनेटली आती होगी। सर जैसे हिंदी हिंदी इंग्लिश और संस्कृत आती है, मुझे ठीक ठाक आती है, और सर मुझे भोजपुरी आती है। भोजपुरी भी आती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। संस्कृत आपको बोलनी आती है क्या बेटा? मैं सर संस्कृत 8 तक पढ़ी थी, लेकिन वैसे सर आती है बोलनी, स्पीक, स्पीकिंग आती है? सर। चलो हाँ बहुत सर, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अरे मैंने भी 8 तक ली थी, लेकिन मेरे को तो स्पीकिंग आज तक नहीं आई, पता नहीं हमें तो पढ़ाई क्या रहे थे, वो रट्टे लगवा रहे थे उनके, क्या थे वो, श्लोक के रट्टे मार रहे थे हम तो। सर वैसे संस्कृत स्कोरिंग होती है, मैं तो सर पढ़ती भी नहीं थी, लेकिन मेरे फिर भी पूरे फुल मार्क्स आते थे, अरे 90 पंजाबी भी स्कोरिंग होती है, 100 लेकिन आते। एक चीज बता देता हूँ संस्कृत अभी में आप बिना लोग, पढ़े आ जाते हैं। अरे सुनिए एक चीज और बताता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट चीज, आपके भी जो भी छोटे बड़े भाई बहन है उनको जरूर बताना कि जो क्या बोल रहा था मैं, संस्कृत की बजाय पंजाबी ले, पंजाबी भी स्कोरिंग होती है, और पंजाबी का बेनिफिट बताता हूँ, संस्कृत का तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, आगे कहीं पे भी स्टेट लेवल पर कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन पंजाबी का बेनिफिट है कि आप पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब दिल्ली के पास ही पड़ता है, नॉट सो फार, पंजाब गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए, वरना पंजाब गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। सोच लो, पंजाब गवर्नमेंट में पंजाबी होना बहुत जरूरी है 10th के पेपर में, और आप लोग भी पंजाबी सीख के थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना सीख लीजिए, लिखना आना जरूरी है, 10th का पंजाबी का एग्जाम दे देना कभी भी जब आपका दिल हो। संस्कृत और फ्रेंच में चॉइस, बकवास वाहियात एकदम, कोई फायदा नहीं, पंजाबी लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पंजाबी की एक छोटी सी बुक खरीद लीजिए, 10th लेवल का ओपन बोर्ड से, या हरियाणा बोर्ड से, या दिल्ली बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप लोग, सीबीएसई शायद नहीं करता, हरियाणा ओपन से आप 10वीं का 10th का सिर्फ पंजाबी का पेपर वो पास कर लीजिए, 33 नंबर हो भले ही, 100 में से कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशनल है वो, और उसके बाद आप पंजाब में भी किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते, याद रख लेना बेटा, समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट ऑफ द गाइज इसको लैक करते हैं। चलिए आप आगे इसको थोड़ा खत्म करते हैं, एवरेज टाइम देखो बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा, ये टाऊ है, हरियाणा का टाऊ, आगे बढ़ते हैं वन बाय के। अब भाई क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं इससे पहले ना दूसरे करवाता हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे अगला लेक्चर भी स्टार्ट करना है, इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे। देखो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन पी क्यू आर एस, ये क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत देना, ये क्वेश्चन नंबर पेपर के हिसाब से है, पी क्यू आर एस है, पी से क्यू और आर एस बन रहा है, द टाइम टेकन 75% रिएक्शन ऑफ पी इज ट्वाइस द टाइम टेकन 50% रिएक्शन ऑफ पी, ठीक है, पी को, पी का 75%, अब यहां पर ये आपको समझ में आ रहा होगा, पी क्यू से आर और एस बन रहा है, टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी, पी का 75% खत्म हो रहा है, इज ट्वाइस, डबल है टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ पी, पी के 50% से, द कंसंट्रेशन ऑफ क्यू वेरीज विद रिएक्शन टाइम एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही है जैसा कि डायग्राम में है, द ओवरऑल
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, सीधा देख के बता सकते हो ओवरऑल रेट रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। देखो 75% का टाइम जो है वो टाइम 50% का डबल है, ये इसने बताया। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है पी के रिस्पेक्ट में। 75% आपने याद है आपने किया था 2 × t½, याद है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था, याद है ना सबको? यस सर। यस सर। अगर वो चीज याद है तो सीधा पता लग गया फर्स्ट ऑर्डर है, तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, तो पी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। देखो वो ऐसे देते हैं वो लोग क्वेश्चन, ऐसे नहीं बताते कि टी हाफ इतना इतना, इसलिए वो टी हाफ वाले जितनी भी टर्म्स हैं वो याद भी होनी चाहिए, उस पर प्रैक्टिस भी की होनी चाहिए, तभी आप आसानी से इसको समझ पाओगे, वरना वहां निकालने बैठ गए एक ही क्वेश्चन के ऊपर आधा आधा घंटा लगा दोगे, सारे फॉर्मूले लिखने बैठ गए तो, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो दूसरा, क्यू के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ क्यू वेरीज विद द रिएक्शन एज शोन इन डायग्राम, वेरीज विद रिएक्शन टाइम एज शोन इन डायग्राम। तो देखो क्यू नोट यहां से शुरू होता है, क्यू नोट क्या है यहाँ पे, क्यू नोट जो है वो क्या है भाई, सी इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो स्ट्रेट लाइन है सबसे पहले, यानी वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, सी तो आ गया अपने पास क्यू नोट, सीधा पता लग रहा है, प्लस एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है तो ये आ गया टाइम, एम क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव एम है हमारे पास, नेगेटिव स्लोप इक्वल वाई, वाई क्या, वाई क्यू है, क्यू मतलब कंसंट्रेशन हो गया, तो मैं क्यू की जगह कंसंट्रेशन लिख दूं, कंसंट्रेशन ए टी इक्वल नेगेटिव एम टी प्लस ए नोट। यस बेटा, कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा कुछ बन रहा है? जीरो। ए नोट को इधर लेके आए या ए टी को उधर लेके आते हैं, एम टी को इधर लेके जाते हैं, तो प्लस का एम टी इक्वल आ जाएगा ए नोट माइनस ए टी, ए नोट माइनस ए टी, और ये एम क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, डेफिनेटली आ गया जीरो ऑर्डर। समझ में आया? यस सर। तो यानी क्यू के रिस्पेक्ट में वो जीरो ऑर्डर है, तो देखो पी के रिस्पेक्ट में वन और क्यू के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, डी इज द राइट आंसर। यस क्लियर है सबको? सर क्लियर है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, बिल्कुल आसान ही है, कुछ आने जाने तो इसमें है ही नहीं। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना लेंथी बहुत बड़ा है, दिखने में बड़ा है लेकिन ये है नहीं ऐसा, पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 31 और 32, ये जो भी नेट का एग्जाम था उसके हिसाब से, मैंने जो आपको साइड बताई थी उसी साइड से मैंने ये सीक्वेंस में पहला दूसरा तीसरा जो मेरे सामने आते हैं उसी में मैंने डायरेक्ट ये अपलोड करें, फिर उसमें कटिंग शटिंग करके कुछ भी उनके साइट का नाम गायब करके फिर उसको अच्छे से मैनेज किया। ठीक है तो देखो एक्स और वाई आर द टू, मैं इसको सीधा यहां बता देता हूं, यहां आपके लिए बेटर रहेगा क्वेश्चन को। देखिए ये कॉटन प्लग है, कॉटन प्लग में एक्स, एक्स एक हमारे पास रिएक्टेंट है, एक वाई रिएक्टेंट है। ठीक है कॉटन के प्लग के अंदर उसको उन्होंने सोख लिया, लिक्विड है, दो वोलेटाइल लिक्विड हवा में उड़ सकते हैं जो लिक्विड, तो यहां पर उसके वेपर बनेंगे, यस और नोट सर? खाली खाली ट्यूब में वेपर बनेंगे, इस खाली ट्यूब के अंदर हमने एक इनर्ट गैस भर दी, इनर्ट गैस, ये भी समझ में आ गया सबको? यस बेटा। यस सर। ठीक है अब इसने बोला कि इस ट्यूब की जो लेंथ है ना वो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है टोटल लेंथ, और इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहां पर हो रहा है, मतलब ये जल्दी से यहां पहुंच गया और ये जो है वो थोड़ा धीरे पहुंचा, क्योंकि दोनों के बीच में ही रिएक्शन होगी, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है सर? समझ में आ गया। अब देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, तो ये चीज इसने दे रखी है द वैल्यू ऑफ डी, डी मतलब यहां से यहां तक, ये एक्स जो है वो यहां जाके रिएक्शन करना शुरू करता है। ठीक है तो वैल्यू ऑफ डी इन सेंटीमीटर शोन इन डायग्राम एज एस्टिमेटेड फ्रॉम ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा है सभी ने, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन प्लस वन में था, याद नहीं होगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लेकिन नाम तो सुना होगा, नाम सुना है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का? यस सर नाम सुना है। यस सर। दैट्स इनफ, वो फॉर्मूला हम रिवाइज करेंगे, उस लेसन को भी मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के लेसन है सबको रिवाइज करवाया जाएगा इसी प्लस टू क्लास में, मेरी तरफ से तो पक्का होगा भाई, अगर टाइम ना मिला कुछ और गड़बड़ हो गई, भगवान ने ना चाहा कुछ गड़बड़ हो गई ना ड्यूरिंग द सेशन तो अलग बात है, लेकिन मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस कवर करूं और आपको दूसरा भी करवाना शुरू कर दूं, है ना, सीधा एक एक लोट में इन वन लोट डायरेक्टली पूरा लेसन करवा दूंगा रिवाइज। सर ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर में था, वो तो चैप्टर डिलीटेड था, शैडो मैटर चैप्टर ही डिलीटेड था। यस में तो आएगा, तो ये पुराने, अगर ये पुराने हैं तो भाई डेफिनेट सी बात है, देखो एक लोट में मैंने ही सोचा कि एक लोट में एक चैप्टर करवा दूं, है ना,
वन शॉट में, वन शॉट पूरा चैप्टर करवाने की सलाह है मेरी उन सबको, और फिर उसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट करवाएंगे। तो जो भी चैप्टर्स हैं एक एक लेक्चर तो आप लगा ही सकते हो आसानी से, फिर न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। कोई डिलीटेड है तो उसको हम छोड़ देंगे, नो वरी। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आया और दोनों को मिलता जुलता है। तो देखो भाई उसके बाद में इसने क्या कहा, इन ग्राम्स ला के अकॉर्डिंग, तो एक तो आपको वो निकालना है, ठीक है। दूसरा देखो, द एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ बी फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यूजिंग ग्राम्स लॉ। ग्राम लॉ से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आती है, तो ग्राम्स लॉ से जो वैल्यू मिली और एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू मिली, दोनों में डिफरेंस था। बल्कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी वो स्मॉल थी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्मॉल क्यों है, उन इनमें से कोई रीजन देना है। क्वेश्चन समझ में आ गए सर? ठीक है, यानी कि एक तो डी की वैल्यू निकालनी है, ये दो इनर्ट गैसेस नहीं है, गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट कर सकती हैं और बीच में इनर्ट गैस भरी हुई है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है कि डी जो निकला है एक्सपेरिमेंट से और जो एक्चुअल निकला है और जो हमने ग्राम क्लास से निकाला, दोनों में फर्क है क्यों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा बताता हूँ, रेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ वाई, इन दोनों का डिवाइड, डिस्टेंस जो हमने ट्यूब का डिस्टेंस किया था, इसका डिस्टेंस और टोटल में से अगर मैं 24 में से डी को माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना सबको, है ना? तो यानी डिस्टेंस बाय 24 माइनस डी इसके इक्वल होता है, और वो इक्वल होता है, याद रखना वो इक्वल होता है डिफ्यूजन लॉ के अकॉर्डिंग 40, और रिवर्स में इनवर्स ऑफ 40 बाय 10 अंडर रूट, इनवर्स ऑफ 40 बाय 10। अब ये 40 बाय 10 क्या चीज है, वो यहां पर ऊपर दे रखा है इसने। इसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास है 10 ग्राम पर मोल, एक्स का मोलर मास है 10 ग्राम पर मोल, ठीक है, वाई का मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। तो ये जो ग्राम पर मोल दे रखे हैं ये उसका इनवर्स। हम आगे क्या कर रहे हैं वो देख लेना, यहां पर कर रहे हैं हम 40 बाय 10 और यहां ले रहे हैं एक्स, एक्स तो 10 था, तो ये इनवर्स होता है। ग्राम्स ला यही है, इनवर्स ऑफ द मोलर मासेस का डिवाइड का रूट जो होता है वो इक्वल होता है उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन के, एक्स और वाई के। यस, समझ में आ गया? यस बेटा, क्लियर है? तो ये होता है आपका क्या बोलते हैं उसे, डिफ्यूजन लॉ। और यही डिफ्यूजन लॉ कहता है कि उनका जो डिस्टेंस है आपस में वो डिस्टेंस के भी रेशो के बराबर होता है इनका। तो ये तीनों चीजें इक्वल हैं, तो हम यहां से डी निकाल सकते हैं। इसको यहां से निकाल दो, इन दोनों को इक्वल कर दो तो डी निकल आएगा। तो यहाँ इन्होंने डी निकाल रखा, ठीक है। ये आ गया 2, इन दोनों का डिवाइड आएगा 2, तो डी डी के इक्विवेलेंट करेंगे तो डी आएगा 16 सेंटीमीटर। अब ये कहता है 16 सेंटीमीटर जो हमने निकाला है एक्चुअल से वो कम है, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब यहां देख लेना, जब आपस में कोलिजन बढ़ता है देन द मोलिकुलर स्पीड डिक्रीजेस देन एक्सपेक्टेड। तो मोलिकुलर स्पीड जो है वो डिक्रीज होता है एज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है अब वो देखो जरा, यानी कि जो कोलिजन कर रहा है, यहां फिर से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। डी का जो डिस्टेंस आ रहा है, नीचे वाला क्वेश्चन फिर से बोलो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम ग्राम्स ला से एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है 16, और जब हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो ये 15 निकला, और ग्राम्स ला कहता है 16 है, ठीक है। तो ये कम क्यों आ रही है, क्योंकि जिसका रेट ज्यादा होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो यहां कोलिजन भी ज्यादा करेगी। समझ में आ गया? हम इसको कंसीडर नहीं करते ग्राम्स लॉ में, नंबर ऑफ कोलिजंस को वो नहीं करते, इसलिए इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स विद इनर्ट गैस, डी इज द राइट आंसर। इनर्ट गैस के साथ एक्स ज्यादा कोलिजन करेगा, ज्यादा कोलिजन करेगा तो भाई इसका ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू वाई विद द इनर्ट गैस। वाई जो है वो कम कोलिजन करता है, कम कोलिजन करेगा तो ज्यादा आगे बढ़ेगा, और ये ज्यादा कोलिजन करेगा तो कम आगे बढ़ेगा। यस, समझ में आ गया? हो सकता है ना कि एक्स अपने मॉलिक्यूल से टकरा रहा, उसका मेन फ्री पाथ कम हो गया। हाँ, वो पाथ कम हो गया, आप ये कह सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आपको ये लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहे हैं, तो क्योंकि इसमें नई चीजें यूज हो रही हैं, तो भाई ये नई चीजें आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। यही तो है एडवांस लॉ, यहाँ से एडवांस लेवल, यही यहाँ से ये समझ में आया, उसके बाद में आप इसको अप्लाई करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक ही क्वेश्चन बचा और मेरे को लग रहा है उसका टाइम नहीं बचा, क्योंकि वो पूरा लेक्चर सही में 1.5 घंटे का ही था। देखो ये 15वां क्वेश्चन है, इसने क्या कहा, मैं इसको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। ये बोल रहा है मैच द लिस्ट वन, लिस्ट वन ये है, ये वाली लिस्ट वन है, और लिस्ट टू ये वाले ग्राफ है, ग्राफ के हिसाब से इसको मैच करना है। तो ये बोलता है रेट जो ना, ये एक्स एस जो है ये कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, बट ये इसके
प्लस में है, बस ये ध्यान रख लेना, ये मतलब ये दोनों कॉन्स्टेंट है, ये समझ में आ गया। और एक्स क्या है, ये कंसंट्रेशन है, क्लियर है। अंडर ऑल पॉसिबल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के हिसाब से कौन सा ग्राफ इनमें से सही आएगा, ये हाफ हाफ लाइफ वाला बता रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन वाला बता रहा है, क्लियर है, ये समझ में आया। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के हिसाब से, हाफ लाइफ के हिसाब से कौन सा ग्राफ इसमें सही बैठेगा, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, पी वाला आएगा। ये आपको खुद बनाने पड़ेंगे, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले वाला तो कर लेना, वो उसको मैं बाद में बताता हूँ। दूसरे वाला देखो क्या के, अब दूसरे वाले में इसने हो सकता है फॉर्मूला अलग दिया, यहाँ बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ अब ये क्या कह रहा है, वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन द एक्स एस, इससे कंसंट्रेशन काफी कम है, तो मैं इन दोनों को क्या मान लू, इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो मेरे पास एक्स एस आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन काफी कम है, क्लियर है। तो टोटल एक्स एस लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या होगा, के डिवाइडेड बाय एक्स एस और इनटू में एक्स, तो ये तो कंसंट्रेशन है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं के जो है वो सीधा एक्स की कंसंट्रेशन, क्योंकि के और एक्स एस क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आया सर, सभी को समझ में आ गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बन रहा है, यस सर, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा इस पे टाइम लगना चाहिए था, ठीक है, बट नो वरी, मुझे लगा था वो लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा, पर उसमें वो आगे बहुत सारी चीजें थी, वो मैंने ध्यान ही नहीं दी थी, वरना मैं इसको डालता ही ना, है ना। आगे देखो, वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स आर मच हायर, एक्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है देन एक्स एस, एक्स एस से, तो मैं लिख दूं कि इन दोनों का टोटल एक्स ही बन जाएगा, एक्स तो एक्स से एक्स कट गया, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, यस, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर। अब इनमें ग्राफ आप खुद ढूंढ लेना, ढूंढ सकते हो सर। अब नीचे देखो, वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज मच हायर देन एक्स एस, एक्स की, अब इसमें स्केयर भी दिखा रखा है, ये ध्यान रख लेना। तो मैं इन दोनों को क्या करूं, क्योंकि एक्स की कंसंट्रेशन इससे बहुत ज्यादा हायर है, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को जोड़ के एक्स ही लिख सकता हूं, नीचे एक्स लिख दिया, ऊपर एक्स का स्केयर आ रहा है, तो एक्स से एक्स स्केयर कट जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यस, क्लियर है, यस सर। अब यहां पर ग्राफ जो दे रखे ना, और ये चार चीजें दे सकते, हो सकता है एक का कोई ग्राफ दो, इसका आंसर है पहले वाला, फर्स्ट का पी है, सेकंड का क्यू है, सिर्फ क्यू नहीं है, क्यू के अलावा भी आ सकता है, थर्ड का एस है, फोर्थ का टी है, ठीक है। लेकिन जब आप आंसर देखोगे तो आपको सीधा समझ में आएगा, देखो भाई ये फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट है, ये जीरो है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी फर्स्ट है, और ऊपर वाले का ऑर्डर ना थोड़ा सा ध्यान दोगे, आपको ऊपर वाले का ऑर्डर अंडर ऑल कंडीशंस में क्या होगा, तो देखो सभी कंडीशंस में, तो पहले करो एक्स की कंसंट्रेशन ज्यादा, फिर कर दो एक्स की कंसंट्रेशन बहुत कम, और उसके हिसाब से दोनों का काइनेटिक्स निकाल लो, तो ये भी दोनों निकलेंगे। तो यहाँ आंसर देखो, फर्स्ट का पी आ रहा है, इफ एक्स इज लेस देन एस द रिएक्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर, अगर वो ग्राफ क्योरिटी होगा, और अगर वो लेस देन नहीं है तो ज्यादा है, नहीं 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 पहले वाला ये, सॉरी उल्टा पढ़ रहा हूँ, एक्स इज लो, जब एक्स लो होता है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, टी हाफ कॉन्स्टेंट होगा, ग्राफ वही आएगा, टी हाफ वाला पहला, और अगर वो हाई है तो वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, दोनों केसेस में एक ये ग्राफ आने वाला है, यानी कि ये सभी, ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है ये ग्राफ, कहने का मतलब ये है। और नीचे वाले क्या, ये तो फर्स्ट और जीरो दोनों है, ये है फर्स्ट, ये है जीरो, और ये है फर्स्ट, तो ये तीन ग्राफ तो ऐसे होंगे जो सिर्फ फर्स्ट और जीरो को फॉलो करें, और ये एक ग्राफ ऐसा होगा जो दोनों को फॉलो करे, तो ये अकेला ऐसा ग्राफ है जो दोनों को फॉलो करता है, कैसे करता है अभी आप ढूंढना, क्योंकि हम वो ग्राफ कर चुके हैं, समझ में आ गया बेटा, यस सर। क्वेश्चन आसान है आई थिंक, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, क्वेश्चन का आइडिया अलग है, बट क्वेश्चन आसान है, यस, क्लियर है बेटा सभी को, यस सर, क्लियर है, मत्था मार सकते हो, आपके सामने नोट्स आ जाएंगे, मत्था मार सकते हो, फिर भी ना समझ में आए, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, और अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली बेटा, ठीक है।